श्रावण मास के तृतीय सोमवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति सपा नेता राजपाल यादव एवं परिजनों द्वारा श्री रावली महादेव मंदिर पर भव्य फूल बंगला एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी नेताओं सहित इष्ट मित्रों ने भगवान शिव के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी शहर के प्रसिद्ध प्राचीन श्री रावली महादेव मंदिर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति राजपाल यादव द्वारा विशाल भंडारे एवं फूल बंगले का आयोजन किया गया है। इसमें शामिल होने वालों में समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलावा विभिन्न दलों से जुड़े नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों ने भी विशाल भंडारे में मौजूद रहकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। सोमवार के सावन के तीसरे सोमवार के में हम हर साल की भंडारा करते हैं और जितने भी शिव भक्त आते हैं उन सबको प्रसाद ग्रहण कराते हैं और ये भगवान से मनोकामना करते हैं कि इनके जीवन में सुख समृद्धि आए, तरक्की आए और भोले बाबा से ही हमारी प्रार्थना है। क्या हो जगह कला हम गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन के तीसरे सोमवार को भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें रावली महादेव मंदिर पर जितने भी भक्त आते हैं वो दर्शन करते हैं, उनको प्रसाद ग्रहण कराते हैं। हमारी भगवान से यही इच्छा मनोकामना है कि भगवान उनके जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति एवं उन्नति लेके आए, यही हमारी भगवान शिव से आराधना है और भगवान सभी भक्तों का ख्याल रखेंगे। इस दौरान भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे श्रद्धालु भक्ति भाव में सराबोर नजर आए। उन्होंने यादव परिवार का आभार जताते हुए कहा, उनके प्रयासों से वरसाद भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा बरसाने वाले हैं और दयालु हैं। उनका सौभाग्य है कि उन्हें श्रावण मास के पावन पर्व पर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना एवं दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। सपा नेता राजपाल यादव द्वारा आयोजित श्री रावली महादेव मंदिर पर फूल बंगला एवं भंडारे में मुख्य रूप से सलोनी ग्रुप के डायरेक्टर दिनेश राठौर, महेश राठौर, सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार, सपा जिलाध्यक्ष आजाद कुमार कर्दम, सपा नेता पप्पू यादव, पिंकी त्यागी, पिंटू यादव, राकेश धनगर समेत शहर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कई वर्षों से निरंतर करते चले आ रहे हैं, हम सभी लोग गांव वाले शरीक हुए हैं। आने वाले जितने भी भक्त हैं हमारे ठेकेदार द्वारा सबको प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जुगंदर भाई ठेकेदार को भगवान इसी तरह प्रेरणा देते रहें, उनकी उन्नति होती रहे और वो इसी तरह अपने भक्तों को प्रसाद खिलाते रहें। आज भोले बाबा के मंदिर में अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिला पंचायत अध्यक्ष राजपाल यादव जी के द्वारा जो भंडारे का कार्यक्रम हो रहा है इसमें भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज सावन के महीने में सोमवार को ऐसा कहते हैं कि जो लोग दर्शन करते हैं भोले बाबा के उनकी मनोकामना पूरी होती है। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से संवाददाता ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।